किड्स, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन 21. जेड माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस जेड माइनस 2 अपॉन 4. ऑलराइट, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, दिस वन विल गिव द डिनोमिनेटर दैट इज 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपका ये जो साइड है लेफ्ट साइड वो वैसे ही रहेगा, और आप क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस 2, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, नीचे आएगा 4 वन ज़ा 4. तो ठीक है, अभी कॉमन डिनोमिनेटर हो गया इसका. आप लेफ्ट साइड को वैसे ही रख लीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2. ओके, याद रखिए जेड आपका वेरिएबल है, तो हम लोग इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हैं, 4 और 2. तो 4 माइनस 2 आएगा 2 प्लस जेड अपॉन 4. याद रखेंगे जेड वाले क्वेश्चंस में आपका 2 और जेड थोड़ा तो डिफरेंट दिखना ज़रूरी है. ओके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. अभी हम लोग को क्या करना है, जस्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, आपको 4 जो है 4 उस साइड पे लेके जाना है और 3 को इस साइड पे लेके जाना है. तो क्या होगा, हम लोग एक्चुअली ये टर्म्स से ये जो दूसरे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, 4 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा. तो 4 इन द ब्रैकेट z प्लस 1 इज इक्वल टू 3 जो आपका लेफ्ट में डिनोमिनेटर में था, इट विल कम इन द न्यूमरेटर हियर. तो ये बनेगा 3 इन द ब्रैकेट 2 प्लस जेड. सो 4 इंटू जेड बनेगा 4z माइनस 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू 3 टू ज 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई जेड बिकम्स 3z. ओके, अभी देखिए आपका ये दो टर्म्स जो है वेरिएबल वाली जो टर्म्स है वो है लाइक टर्म्स, और माइनस 4 और 6 आपके कांस्टेंट टर्म्स है. तो लाइक टर्म्स को या सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 4z प्लस 3 यहाँ पे आएगा, तो इट विल बिकम माइनस 3 इज इक्वल टू, बचा क्या है यहाँ पे 6, और ये जो माइनस 4 है वो यहाँ आएगा तो इट विल बिकम प्लस 4. तो 4z माइनस 3z, 4z माइनस 3z कितना आपका आता है, 1z आएगा. राइट, 1z इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना है 10. देयरफॉर आपकी z की वैल्यू क्या आएगी, अगर z के आगे 1 है मतलब आप नहीं लिखते हैं तो भी चलता है. राइट, तो z इज इक्वल टू आ गया आपका 10. तो वैल्यू ऑफ z इज 10. लेट अस चेक इन क्विकली. ऑलराइट, रेड से करती हूँ. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स ड्रॉ द लाइन. एंड हाँ या एंड आपको लाइन ड्रॉ किया मतलब वहाँ पे लिखना ऐसे नहीं है, आप आपके पेज में नेक्स्ट नीचे लिख सकते हैं. ओके, तो मैं अभी कर रही हूँ चेक इन, मेरा यहाँ पे स्पेस बाकी है ना, तो आई एम यूजिंग दैट. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपको क्या है, जेड माइनस 1 अपॉन 3 है, लेफ्ट में इतना ही था. जेड की वैल्यू लिखिए 10 माइनस 1 अपॉन 3. 10 माइनस 1 कितना आता है, 9 अपॉन 3. तो 9 बाई 3 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो आपके आंसर आई लेफ्ट हैंड साइड में 3 इक्वल्स टू 1 देंगे. लेट अस सॉल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है, मैं एक नेक्स्ट पेन से करती हूँ. राइट हैंड साइड था आपका 1 प्लस के 1 प्लस जेड माइनस 2 अपॉन 4. 1 प्लस जेड का वैल्यू है 10 माइनस 2 अपॉन 4. ओके, 1 को वैसे लेके चलिएगा लास्ट तक रिमेंबर, और बस इसको सॉल्व कीजिए पहले. 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 अपॉन 4. अभी इसके नीचे आप डिनोमिनेटर 1 दे दीजिए एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ताकि आपको डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो हम कैसे इसको आगे करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलेगा 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकम्स 8 अपॉन 4 वन ज़ा 4. तो नाउ शायद से ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 और 4 को कैंसिल करते हैं. तो 4 और 4 कैंसिल नहीं होगा डियर्स, क्योंकि 4 इसके साथ में प्लस में है ना, तो कैंसिल नहीं होगा. हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको एडिशन करना होगा पहले, फिर आप 4 से उसको डिवाइड करेंगे, याद रखिए. ठीक है, तो 4 प्लस 8 कितना होता है आपका, आएगा 12 अपॉन 4. तो 4 की टेबल में तो 12 आता है, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12. तो आपके आंसर आई 3, ये हो गया नंबर 2. राइट,
तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, अगर हमारी इक्वेशन वन एंड टू सेम है तो मैं बस थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाती हूँ, या तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके ओके, नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख लीजिए इसको। ऑल राइट, तो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 21।